गरम होने के बाद घोल में बेकिंग सोडा डालना, फिर चढ़ा देना। ये बेकिंग सोडा नहीं, ये कॉपी का है, कब आके ये अपना सारा काम खत्म करेगी। अब मणि एक काम कर, देख मैंने ढोकला चढ़ा दिया, तू बस इस कुकर का ध्यान रख। जी राशि भाभी। मैं अभी आई। अरे खाने का सोडा, इसका काम तो राशि भाभी का हो ही गया होगा। कहीं मोटा भाभी पिसी शक्कर समझकर इसे नींबू पानी में न डाल दे। इसे रख देती हूँ। मणिबेन जी, गोपी भाभी, अगर आपका यहाँ का काम खत्म हो गया है तो माझी आपको बुला रही है। वो गोपी भाभी, राशि भाभी ने मुझे कुकर पर ध्यान देने के लिए कहा है, तो आप देख लेंगी? मैं देख लूंगी। ठीक है। हेलो मम्मी, आपने जैसे जैसे कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही बनाया। बस मैं अब इंतजार कर रही हूँ कि गोपी का जैसे ही ढोकला बन जाए फिर मैं। सारू हवे तू चोचे, कैसे उस काकड़ी की नाक कटेगी जब तेरे बनाए ढोकले के आगे उस गोपी गवार के ढोकले पानी मांगेंगे। ये खाने का सोडा कहाँ गया? होमवर्क अभी तक हुआ नहीं। गोपी वो राशि, तुम दोनों के बनाए हुए ढोकले तैयार हैं? जी माँ जी, बस हो ही गया है। ठीक है, दोनों अपने बनाए हुए ढोकले थाली में निकालो। समझी गई? जल्दी करो। गोपी तेरा होमवर्क अभी भी बाकी है ना, तू जा फटाफट उसे खत्म कर। हम दोनों के ढोकले मैं उस प्लेट में निकाल के रखती हूँ। ये देख, ये तेरी प्लेट, ये मेरी प्लेट। राशि बिन रहने दीजिए, मैं अपना कुकर से निकाल लूंगी। जरा देख तो बाहर किसका फोन बज रहा है।
पता नहीं राशि बेन किसका फोन था, मैं उठाने गई तब तक कट गया। अच्छा, वो आजकल वैसे भी लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस है। राशि बेन, बस एक मिनट, मुझे इसमें मिर्ची और धनिया डालना है। हाँ, मैं भी वही करने वाली थी। चले तुम और राशि सबको नाश्ता दे दो। आज नाश्ते में ढोकला दोनों वहुओं ने बनाया है, आप सब खाइए और बताइए कि कैसे बने हैं। अरे गोपी भाभी, आपने भी ढोकला बनाया है? केम माणी, तो क्या अब गोपी वहु तुमसे पूछकर नाश्ता बनाएगी कि माणी बेन नाश्ते में मैं ढोकले बनाऊं? परोसो। बस मेरे हाथ का बना हुआ ढोकला खाकर इन्हें आज कहना ही पड़ेगा। बहु बहु सरस। आशुष, ये ढोकला इतना मीठा क्यों है? मीठा है?